अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आपके साथ पेशावर क्रिकेट ग्राउंड जिमखाना, जिसे जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है, जो कि पेशावर के अंडर कंस्ट्रक्शन अरबाब नियाज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल पास ही है, और जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में भी छोटी मोटी रिनोवेशन का काम हो रहा है, तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता चलूँ, इस जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड पर भी एक इंटरनेशनल मैच होस्ट हो चुका है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में। और इसी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के पास पेशावर के अरबाब नियाज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पर इनोवेशन का काम हो रहा है, उसकी भी मैंने अपडेट शेयर की हुई है। ये वीडियोज़ अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों ने देखी होगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा क्लब ज्वाइन करें, कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ करें, हमें भी क्रिकेट का शौक़ होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड की है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको जितना मुझे पता है तो उसके मुताबिक गाइड करूँगा कि आप कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को, अगर आपका शौक़ है तो कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं और उसका स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पेशावर के जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के पवेलियन के सामने और ग्राउंड से इस साइड पे जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेयर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे प्लेयर्स एक्सरसाइजेस करते हैं डिफरेंट, और फिर इस साइड ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। सामने आपको जंगले नज़र आ रहे होंगे, ये अभी लगे हैं। जो पेशावर से मेरे लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होगा ये पहले नहीं थे, और पूरे ग्राउंड में सिरे से नया ग्रास लगा दिया गया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रास भी मेंटेन हो जाएगा बाहर तक, और जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के पिच को भी बिल्कुल सिरे से रेनोवेट कर दिया गया है। इसकी अगर पिछली अपडेट्स आप फॉलो करते आ रहे हैं तो इसको बिल्कुल, इस जगह को फिर से खोदा गया था और नई पिच डाली गई है। अब पिच को भी मेंटेन किया जाएगा। ये जंगले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाउंड्री को बेहतर बनाने के लिए, इसके आगे फिर जो बाउंड्री रोप होता है वो डाल दी, जो रस्सी होती है वो डाल दी जाती है, ताकि चौके छक्के का सही तरह से पता चल सके और जो बाहर से लोग आते हैं वो ग्राउंड में एंटर ना हो। एक्चुअली ये क्लब्स और एकेडमीज़ के लिए ग्राउंड है। यहाँ पे जो अंडर 19 अंडर 16 के प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे खेलते हैं, अपने ट्रेनिंग सेशन करते हैं। ग्राउंड की बाउंड्री से बाहर साइड पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जगह जगह पे नट प्रैक्टिस के लिए जगह बनाई गई हैं, जहाँ पे प्लेयर्स अपना प्रैक्टिस सेशन करते हैं। पूरे ग्राउंड में बाउंड्री से बाहर आपको नट प्रैक्टिस के लिए जगह दिखेंगी। और ये वो एरिया था जिसका मैं आपको बता रहा था, आपको सामने दीवार भी नज़र आ रही होगी, उसको भी कलर किया हुआ है और प्रॉपर इसमें काफ़ी रिनोवेशन हुई है। ये सामने पवेलियन है स्टेडियम का, ये पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रेनोवेशन हुई थी, इसको भी खूबसूरत बनाया गया है। जो पेशावर के लोग हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा ये पहले इस तरह नहीं था। साथ ही राइट साइड पे पुराना पवेलियन है और ये नया पवेलियन है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। नया तो नहीं है, खैर इसे रेनोवेट किया है, ये पहले भी था लेकिन इसको अब रेनोवेट कर दिया है। और पूरे ग्राउंड में ग्रास लगाया गया है। ये मैं अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का जो होटल है अंदर साइड पे, उसके बिल्कुल लास्ट फ्लोर से बना रहा था, ताकि आप लोगों को क्लियर व्यू दिखे। और इस साइड पे आप देख सकते हैं अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम, बिल्कुल इसी के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होस्ट होंगे, और इसी के पास ही जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, जो क्लब लेवल की क्रिकेट होती है वो खेली जाती है, ताकि ग्राउंड भी मेंटेन रहे, ग्रास भी ख़राब ना हो, प्रैक्टिस सेशन के लिए यहाँ पर मैचेज़ हों और प्रैक्टिस जो मैचेस होते हैं और इंटरनेशनल मैचेस मेन ग्राउंड पे खेले जाएं। अक्सर इसी तरह होता है, जब भी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है या इंटरनेशनल मैचेस के लिए ग्राउंड बन रहा होता है, तो उसी के पास प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी बनाए जाते हैं जिसमें प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकें, ताकि ग्राउंड्स ख़राब ना हो। और बाय द वे, जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड पेशावर की जो हिस्ट्री है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से शेयर कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेनोवेशन पर बात करूँ और पेशावर के साथ साथ जो बाहर सिटीज़ के लोग होते हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, जो खेलना चाहते हैं, उनको बता सकूँ कि आप यहाँ पर कैसे एडमिशन कर सकते हैं। तो सामने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये नट प्रैक्टिस के लिए जगह हैं जिसका मैंने पहले आपको बताया। डिफरेंट क्लब्स, डिफरेंट एकेडमीज़ हैं यहाँ पे। पेशावर के काफ़ी क्रिकेट लवर्स आते हैं यहाँ पे, क्रिकेट खेलते हैं। एडमिशन का कोई इतना बड़ा प्रोसीजर है नहीं, सीधा आएँ यहाँ पे, एंट्री करें और जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनसे बात करें और डेली आके यहाँ पे नेट प्रैक्टिस करें। इस तरह डिफरेंट क्लब्स हैं, जैसे शमा क्रिकेट क्लब, उसके साथ साथ माजुल्ला खान क्रिकेट अकेडमी, और ऐसे बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की हर सिटी में डिफरेंट अकेडमीज़ होती हैं, जैसे राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी हो गई, शादाब खान, यूनस खान और ऐसे मोइन खान, बहुत सारी जो
हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अकेडमीज़ बनाई हुई हैं, तो इस तरह पेशावर में भी डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी क्लब लेवल की क्रिकेट का आगाज़ कर सकते हैं। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं, आपको अंडर 13 अंडर 14 काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और इसी तरह आप अंडर 15 अंडर 16 फिर 17 19 के बाद ए टीम, और ए टीम के बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट की नेशनल टीम में हिस्सा दे दिया जाता है। यहाँ से आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ जो नए आए हैं इस वीडियो पर और जो हमारी वीडियोस को फॉलो नहीं करते आ रहे, तो उनके लिए यहाँ से एक व्यू शेयर कर देता हूँ, आप भी देख लें कि कैसा व्यू आता है ऊपर से अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनने जा रहा है। तो इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं और टाइम टाइम से आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने क्लब लेवल क्रिकेट का आगाज़ करें, बिल्कुल आएँ यहाँ पे एडमिशन लें, और काफ़ी क्रिकेटर्स आते हैं आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ से बाहर सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन के लिए पिचेस होती थी, प्लेयर्स आके यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते थे, और ये कुछ होटल का नज़ारा, इसके अंदर इनसाइड व्यू भी मैं शेयर कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। और यहाँ से जब हम नीचे उतरेंगे तो इस होटल के अंदर से ही गुजर के जाएंगे, वहाँ से भी आपको जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड का व्यू दिखाऊंगा, और आप लोग जो नए हैं वो भी होटल का इनसाइड व्यू देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो पेशावर के जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में जो रिनोवेशन हुई हैं उसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। पूरे ग्राउंड में नई बाउंड्री इंस्टॉल की गई है, जो जंगले आपको नज़र आ रहे हैं इसको कलर भी किया जाएगा, मैं अपडेट्स दूंगा आपको। पूरे ग्राउंड के ग्रास को फिर से लगाया गया है, नया ग्रास लगाया है। ग्राउंड की पिच जो सामने आपको नज़र आ रही है इसको बिल्कुल सिरे से नया बनाया गया है, इसके लिए स्पेशल जो इसकी ख़ास मिट्टी होती है वो मंगवाई गई थी, तो नई पिच इंस्टॉल हुई है। इसके साथ साथ ग्राउंड के पवेलियन साइड का जो एरिया है, पवेलियन उसको भी सिरे से नया रिनोवेट किया है, और पवेलियन के सामने जो ये एरिया है यहाँ पर भी नया ग्रास लगाया गया है, पौधे लगाए हैं और काफ़ी रिनोवेशन हुई है, कलर्स वगैरह किए गए हैं। और बाय द वे जिन्हें नहीं पता, इस पवेलियन को सिकंदर मिर्ज़ा पवेलियन कहा जाता है, जिन्होंने 10 नवंबर 1957 में इसको इनॉग्रेट किया था। फिर यहाँ पे काफ़ी बार रिनोवेशन हुई हैं और अभी फिर से रिनोवेट किया गया है इसको। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इस ग्राउंड की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता दूंगा, ये बहुत पुराना ग्राउंड है ब्रिटिश एरा का, और यहाँ पे एक इंटरनेशनल मैच भी होस्ट हुआ है, और ये ग्राउंड इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। तो बस इस ग्राउंड के बारे में कुछ खास है नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये प्रैक्टिस ग्राउंड है और क्लब लेवल की क्रिकेट यहाँ पे खेली जाती है, तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं इसके बारे में। बाकी यहाँ से आपके साथ डिफरेंट एंगल से आपके साथ व्यू शेयर कर देता हूँ इस ग्राउंड का, जब मैं होटल से नीचे उतरूँगा तो आपको जगह जगह से दिखाता रहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो होटल है उसका इनसाइड व्यू है, इसकी भी मैंने काफ़ी सारी अपडेट शेयर की हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, और जब आप स्टेयर्स की मदद से नीचे जाते हैं, सामने इस तरह सेक्शन आते हैं हर सीढ़ियों से, तो मैं यहाँ से आपको ग्राउंड दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये होटल के तीसरे पोर्शन से जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड का व्यू है। मैंने सोचा थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखा दें आपको। यहाँ से पवेलियन कुछ इस तरह से लगता है, पवेलियन के सामने वाला एरिया, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह रिनोवेशन का काम हो रहा है। तो चलिए नीचे फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ से भी आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड का व्यू क्लोज होता रहेगा और आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ये मैं इस वक्त दूसरे फ्लोर में आ चुका हूँ होटल के, यहाँ से भी आप ग्राउंड का व्यू देख लें, कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है केपी गवर्नमेंट की तरफ से कि स्पोर्ट्स को ध्यान दिया जा रहा है, जो बाउंड्री जंगले हैं वो इस तरह से क्लियर नज़र आते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जो पेशावर के क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आएँ। इवन पेशावर से बाहर के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, एडमिशन करें और अपने क्रिकेट का स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं आप। ये इस वक्त मैं दूसरे पोर्शन में हूँ, यहाँ से हम नीचे जाते हैं होटल के बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से भी आपको ग्राउंड का व्यू दिखा देता हूँ। तो हम और क्लोज हो चुके हैं, फिर यहाँ पर होटल के बीच में दीवार आ जाती है, दीवार से उस साइड पर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड है। तो जो मेन ग्राउंड है उसको जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड से बाहर रखा हुआ है। अब आपको अगली वीडियो की अपडेट दे देता हूँ, यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके साथ तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ पे हाल ही में रेनोवेशन हुई थी और इस ग्राउंड को भी बड़ी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है केपी की गवर्नमेंट ने, तो इसकी भी अपडेट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोग को टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो की। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप मुझे सोशल मीडिया पे आकर फॉलो करें, यहाँ पे आपको फेसबुक इंस्टा की लिंक्स दे देता हूँ,
वहाँ पे आकर डीएम करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई इन्फॉर्मेशन मैं ठीक नहीं दे पाता तो उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। आप कमेंट सेक्शन में ठीक कर दिया करें, मैं आपके कमेंट को लाइक कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो को जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, हमारा कॉन्टेंट ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। मैंने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ साथ दुनिया के डिफरेंट क्रिकेट स्टेडियम्स पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज योर बॉय हाफिज साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।